वायलेट वायर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इस लेक्चर में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के वायलेट वायर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। द डिफरेंशियल सर्कुलेटिंग करेंट प्रिंसिपल यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और फीडर इज कॉल्ड वायलेट वायर प्रोटेक्शन। यानी कि ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम यूज किया जाता है उसी को पायलट वायर प्रोटेक्शन कहा जाता है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिटीज को कनेक्ट करने वाले जो वायर होते हैं इसी को पायलट वायर कहा जाता है। और इसी स्कीम का, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम का कई सारे नाम्स हैं। इसमें आपका मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन भी कहते हैं, पायलट वायर प्रोटेक्शन भी कहते हैं, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी कहते हैं। पायलट वायर प्रोटेक्शन नीड्स एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ पायलट वायर्स। यानी जो पायलट वायर प्रोटेक्शन है उसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है, ज़्यादा खर्च होता है पायलट वायर के रूप में। हेंस पायलट वायर प्रोटेक्शन इज यूज फॉर शॉर्ट लाइन्स ऑफ लेंथ लेस देन 16 किलोमीटर। इसलिए जो पायलट वायर प्रोटेक्शन है ये शॉर्ट लेंथ के लिए या शॉर्ट लाइन के लिए यूज किए जाते हैं, जिसका कि लेंथ 16 किलोमीटर से कम हो। जनरली 16 किलोमीटर से कम लेंथ के लिए ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम यानी पायलट वायर प्रोटेक्शन स्कीम यूज किए जाते हैं, क्योंकि जो पायलट वायर है वो आपका एडिशनल इसमें एक्सपेंडिचर होता है, एडिशनल इसमें खर्च होता है। बियॉन्ड दिस रेंज पायलट वायर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट इकोनॉमिकल। इस लेंथ से ज़्यादा, 16 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ के लिए जो पायलट वायर प्रोटेक्शन स्कीम है वो इकोनॉमिकल नहीं है। फॉर लार्जर लेंथ कैरियर करंट पायलट रिलेइंग इज मोर इकोनॉमिकल एंड प्रेफरेबल। यानी इस लेंथ से ज़्यादा, 16 किलोमीटर से ज़्यादा लेंथ के लिए अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए कैरियर करंट पायलट रिलेइंग इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, जो कि इकोनॉमिकल भी है और प्रेफरेबल भी है। ओवरहेड पायलट वायर्स आर एक्सपोज्ड टू लाइटनिंग एंड हाई वोल्टेज सर्जेज। जिस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन हमारा ओपन प्लेस पे होता है, खुले जगह पे होता है, उसी प्रकार से जो पायलट वायर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो पायलट वायर्स यूज होते हैं तो ये पायलट वायर्स भी ओपन पोजीशन पे होते हैं। यानी कि लाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये वायर आ सकते हैं, या हाई वोल्टेज सर्जेज के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। दे मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाई मीन्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर्स। इसलिए पायलट वायर्स को भी लाइटनिंग अरेस्टर के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। सिमिलरली दे शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विथ पावर सर्किट। साथ ही साथ चूँकि ये ट्रांसमिशन लाइन के साथ पैरेलल ही चलते हैं पायलट वायर्स, तो इसलिए जो पावर सर्किट है, जो पावर लाइन है, उसके कॉन्टैक्ट में भी ये पायलट वायर्स नहीं आने चाहिए। वोल्टेजेज आर इंड्यूस्ड इन द पायलट वायर्स ड्यू टू फील्ड ऑफ पावर कंडक्टर्स। पावर कंडक्टर्स में जो वोल्टेजेज हैं, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके कारण पायलट वायर्स में भी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाते हैं। दिस वोल्टेज शुड बी लिमिटेड टू 5 to 15 volt। और ये जो वोल्टेज है जो इंड्यूस्ड हो सकते हैं तो वो लिमिटेड होने चाहिए कि 5 to 15 volt, इतना ही के रेंज में होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। द सर्किट डायग्राम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग पायलट वायर प्रोटेक्शन इज शोन इन फिगर। यानी पायलट वायर प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के पायलट वायर प्रोटेक्शन के लिए जो सर्किट डायग्राम है उसको इस फिगर में दिखाया गया है। ये ट्रांसमिशन लाइन है जिसको कि हमें प्रोटेक्ट करना है, और इस को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है उसके दोनों साइड में करंट ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया गया है। और ए और बी, ये आपका सर्किट ब्रेकर है, और इन दोनों करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को पायलट वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है, और इन पायलट वायर्स के बीच में ही इंस्टेंटेनियस टाइप के रिले को कनेक्ट किया गया है। जब भी कोई सर्किट में
इंटरनल फॉल्ट होगा, यानी जिस जोन जितने जोन में प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इस जोन में अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो उस केस में इस रिले के थ्रू करंट फ्लो होगा, और जब रिले के थ्रू करंट फ्लो होगा तो ये कॉन्टैक्ट जो हैं आपके ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे। जब कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएंगे तो आपका ये वाला जो ट्रिप ए है ये इस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करेगा और सिग्नल भेजेगा, और जो ट्रिप बी है ये आपको बी सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने के लिए या ट्रिप करने के लिए सिग्नल भेजेगा। अगर कोई फॉल्ट इसमें नहीं है या इस सेक्शन के बाहर अगर कोई फॉल्ट है, या इसमें कोई फॉल्ट अगर नहीं है तो इस रिले के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और रिले ऑपरेट नहीं करेगा। इन पायलट वायर प्रोटेक्शन द सर्किट ब्रेकर्स एट टू एंड्स आर सेपरेटेड बाई ए लॉन्ग डिस्टेंस। पायलट वायर प्रोटेक्शन में जो दोनों एंड पे जो सर्किट ब्रेकर लगाए गए हैं या जो लगाए जाते हैं वो एक लॉन्ग डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, यानी कि दोनों सर्किट ब्रेकर के बीच का डिस्टेंस लॉन्ग होता है, लंबी दूरी होती है। इन दिस प्रोटेक्शन रिलेइंग पॉइंट फॉल्स इन द मिडिल ऑफ द लाइन, और इसलिए जो रिले जो है वो इन दोनों के बीच में लगाया जाता है। दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी इन द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर, और इसके कारण चूँकि दोनों सर्किट ब्रेकर के बीच लंबी दूरी है और जो रिले है वो बीच में कनेक्टेड है तो रिले को ऑपरेट होने में जो है इसमें डिफिकल्टी होती है। लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट होने में डिफिकल्टी होती है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द सर्किट इज मॉडिफाइड बाई प्रोवाइडिंग टू रिले वन एट ईच एंड। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो सर्किट है उसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया है और एक रिले के जगह पे इसमें दो रिले यूज किए जाते हैं और प्रत्येक एंड पे एक रिले को लगाया जाता है। जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये आपका सेक्शन है, ट्रांसमिशन लाइन का सेक्शन है जिसको कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, पायलट वायर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और इस सेक्शन के दोनों साइड में करंट ट्रांसफार्मर को लगाया गया है। करंट ट्रांसफार्मर को की सेकेंडरी को पायलट वायर से कनेक्ट किया गया है और इस करंट ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में सर्किट ब्रेकर को भी कनेक्ट किया गया है। पिछला जो मेथड था पायलट वायर प्रोटेक्शन का ही, उसमें जो रिले था वो बीचों बीच में दोनों के ठीक मिडिल में कनेक्टेड था, जिसके कारण कि रिले को जो सर्किट ब्रेकर है वो लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण उसको ऑपरेट होने में डिफ़िकल्टी होती थी। इसलिए इसमें उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दो रिले कनेक्ट कर दिए गए हैं और इस प्रकार से एक रिले आपका यहाँ पे है और एक रिले यहाँ पे है, दोनों रिले जो है ये अब सर्किट ब्रेकर के नज़दीक में है, तो इस प्रकार से अब इस सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने में कठिनाई नहीं होती है। और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल इसमें भी सेम है कि अगर कोई इंटरनल फॉल्ट है जितने सेक्शन को प्रोटेक्ट किया गया है उसके अंदर कोई फॉल्ट है तो उस केस में ये आपका जो कॉन्टैक्ट है रिले का वो क्लोज होगा, अदरवाइज क्लोज नहीं होगा और रिले ऑपरेट नहीं करेगा। अनदर मेथड इज पायलट वायर रिलेइंग यूजिंग वोल्टेज बैलेंस, यानी कि पायलट वायर प्रोटेक्शन का एक और मेथड है वो है आपका पायलट वायर रिलेइंग यूजिंग वोल्टेज बैलेंस, वोल्टेज बैलेंस का यूज करके पायलट वायर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इन दिस मेथड द सेकेंडरी करंट आर रिप्लेस्ड और कन्वर्टेड टू इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ फेयरली लो इम्पीडेंस, यानी इस मेथड में जो करंट ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी करंट हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में, कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसका कि इम्पीडेंस लो होता है। द इक्विवेलेंट एट टू एंड्स आर कंपेयर्ड, उसके बाद दोनों करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको कंपेयर किया जाता है। फॉर हेल्दी कंडीशन नो करंट फ्लोज थ्रू द रिले कॉइल,
जब हेल्दी कंडीशन हो यानी कोई फॉल्ट नहीं हो तो उस केस में रिले के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। ड्यूरिंग इंटरनल फॉल्ट द करंट सर्कुलेट्स थ्रू द रिले कॉइल, और इंटरनल फॉल्ट के केस में यानी प्रोटेक्टेड जोन के केस में फॉल्ट होने के केस में जो करंट है वो रिले कॉइल के थ्रू सर्कुलेट होता है। द वोल्टेज बैलेंस सिस्टम इज बेसिकली ए डिफरेंशियल सिस्टम, यानी जो वोल्टेज बैलेंस सिस्टम है ये भी एक डिफरेंशियल सिस्टम ही है। ये जो फिगर है इसमें आपका पायलट वायर प्रोटेक्शन वोल्टेज बैलेंस के द्वारा इसमें प्रोवाइड किया गया है। ये आपका प्रोटेक्टेड जोन है जिसको कि प्रोटेक्ट किया गया है, और ये दोनों एंड पे सर्किट ब्रेकर हैं। करंट दोनों में प्रोटेक्टेड जोन के दोनों साइड जो करंट ट्रांसफार्मर है उसकी सेकेंडरी को जो है वो आपको उसकी सेकेंडरी में जो करंट है उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया गया है, और फिर उसके बाद इन दोनों वोल्टेज को कंपेयर किया जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल हेल्दी कंडीशन में जो वोल्टेज है वो दोनों में सेम होते हैं, इसलिए रिले के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है और फॉल्ट के केस में रिले के थ्रू करंट फ्लो करता है, और फिर रिले ऑपरेट करेगा और सर्किट ब्रेकर जो है वो सर्किट को ट्रिप कर देगा। तो इस लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन लाइन का पायलट वायर प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।